यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले देश भर के 9 बैंक यूनियंस के 10 लाख बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के प्रदेश सचिव गोपाल शर्मा ने बताया कि अभी बैंक कर्मचारी बैंकों के विलय के फैसले से भी नहीं उबर पाए, ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंकों के निजीकरण का फैसला न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारी के हित प्रभावित होंगे, वहीं इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि अभी बैंक कर्मी केवल 2 दिवसीय हड़ताल पर गए हैं, यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बैनर तले बैंकों की 9 यूनियंस आज लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज को लेकर सड़क पर उतरी हैं और उसका कारण केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और जो पिछले अभी बजट में जो उन्होंने अनाउंस किया है कि कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उसी के लेते हुए आज हमारे 2 दिन की ये पूरे देश भर में ये 2 दिन की स्ट्राइक है 15 और 16 तारीख को। और इस स्ट्राइक में हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कन्वर्ट होने चाहिए। और आप सब लोगों को ये बता के हमें बड़ा दुख होता है कि ये वही सरकार है कि जो कुछ समय पहले जब हमारा मर्जर हुआ था उन्होंने ये तय किया था कि आने वाले समय में अब किसी भी तरह से कोई ना रिट्रेंचमेंट होगी ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट होगा। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना ज़्यादा रूरल ब्रांचेज हमारी ग्रामीण ब्रांचेज हैं शाखाएँ वो बंद होंगी, स्टाफ को रिट्रेंच किया जाएगा, आने वाले समय में जो हमारी जनता है उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में आप सब जानते हैं कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 या 10,000 रखा जाता है, जबकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो लोन जो हमारे सरकारी योजनाओं के तहत चलते हैं 10,000 तक का तो छोटा लोन हम करते हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स में ये योजनाएँ नहीं चलती। कुछ समय पहले हमारे जो जनधन योजना एक केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई थी उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 33 करोड़ अकाउंट्स खोले गए थे और आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में सिर्फ 1,25,00,000 अकाउंट खोले गए थे। तो आप ये एक बहुत बड़ा अनुभव है हमारा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जितनी भी हमने योजनाएँ जो सरकारी योजनाएँ थी उन्हें सिरे चढ़ाया है उतना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उसमें इतना काम नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे जो PSUs हैं जिनको लेकर अभी आपको बताया गया है कि वो बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक चीज़ को कहते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको कुछ समय से धक्के देकर चलाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि धक्के देने के लिए किसने कहा है, हम तो ये कहते हैं कि सरकार की कोई ऐसी नीति आए। खासतौर पे मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कहना चाहूँगा कि अगर ईमानदारी से जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं हमारे जो NPAs हैं जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनके लोन अगर रिकवरीज प्रॉपर तरीके से की जाए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बैंक को प्राइवेट करने की और मर्जर की भी नौबत ना आती। आप सब ये जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले 1,94,00,000 करोड़ जो अमाउंट है वो बिग कॉरपोरेट्स का अमाउंट वो वेव किया गया, उनका वन टाइम OTS किया गया, वन टाइम सेटलमेंट किया गया और आप हैरान होंगे कि 1,94,00,000 का अकाउंट जो 12 करोड़ में सेटल कर दिया जाता है और उसका जो 82 करोड़ का जो लॉस है वो बैंक को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चीज़ें आज के आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जनता के लिए बैंक हैं और ऐसी जगहों पे दूर दराज ऐसी जगहों पे बैंक खुले हैं, सोशल जो हमारा मुद्दा रहता है कि सोशल बैंकिंग हो वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तौर पे नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनकी ब्रांचेज रहेंगी, बाकी की जो दूसरी ब्रांचेज वो बंद कर दी जाएंगी। जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें इस मुहिम में और बढ़ चढ़ कर हम लोग इस चीज़ को केंद्र सरकार तक बात पहुँचाएँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को या पब्लिक एंटरप्राइजेज को ये ज़रूरी नहीं है
कि उनको प्राइवेट सेक्टर को धकेला जाए। आज जो बैंक के हमारे बहुत बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, आने वाले समय में यही प्राइवेट बैंक्स उनके नाम किए जाएंगे। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।